इतनी देर से इनसे खेल रही हो, बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं क्या? किसने दिलाए? अम्मी लेकर आई हैं। आज बाजार गई थी ना, आपके लिए सूट भी लेके आई हैं और बेबी की शॉपिंग भी की है। दिखाओ आपको। नहीं, 2 मिनट बैठ तो जाओ पास। ओ, मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई। आपको पता है हुप्पो और रहमा भाभी आई थी। आपको पता है वो क्या कह रही थी? क्या वो बता रही थी कि उन्होंने आपको किसी हॉस्पिटल के बाहर देखा। कौन थी आपके साथ? हॉस्पिटल? मैं तो ऑफिस से सीधा घर आया था, किसी और को देखा होगा। मैंने भी उन्हें यही कहा, लेकिन वो बड़ा यकीन से कह रही थी कि वो आप ही थे और आप ही की गाड़ी थी। वो अमर भाई की गाड़ी तो ठीक से पहचानती नहीं है, मेरी गाड़ी को क्या पहचानेंगे? किसी और को देखा होगा उन्होंने। छोड़ो मुझे, आप शॉपिंग को दिखाओ क्या करके लाएंगे। आप अभी लेके आती हूँ। अरे तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, सच सच बताओ कि बात क्या है। पप्पू, आपको रहमा भाभी की बात पे यकीन? आपको क्या पता उन्होंने मुझे देखा था या किसी और को? मैं उसकी बात पे कभी यकीन न करती। अगर तुमने मुझे खुद न बताया होता कि अनाया तुम्हारे पास है। बताओ ना उसे क्या हुआ है। वो ठीक तो है, तुम उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे? पप्पू, वो मेरे पास है इसीलिए महफूज है और ठीक है। हॉस्पिटल इसी लेकर गया था कि वो अब नानी बनने वाली है। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? या अल्लाह, ये कौन सी नई आजमाइश पड़ गई मेरे पे? ये कैसे हो सकता है? अब तो लोग हमें जीने नहीं देंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। नाया को लापता हुए 2 महीने हो गए। या अल्लाह, अब क्या होगा? इससे तो अच्छा था कि अल्लाह ताला तू उसे उठा लेता। क्या होगा? भूतिया पप्पू, क्या हो गया आपको? अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो दुनिया वाले तो इससे भी बढ़ के बातें करेंगे। मारेंगे हमारे सर पर, संसार कर देंगे, हमें ताने दे देंगे, हमें मार देंगे, और क्या करेंगे? हारे हारे, मुझे जिंदा नहीं रहना। मुझे कहीं से जहर लाके दो, मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकती। मुझे जहर लाके दो। क्या हो गया पप्पू, संभाले खुद को। अगर आप इसी तरह की बातें करती रहेंगी तो मैं आपको उससे कभी नहीं मिलाऊंगा। वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है आरिफ, किससे मिलने की बातें हो रही हैं जो आंटी इतनी परेशान है और यूं रो रही हैं? और कौन डिस्टर्ब है? वो मैं चलता हूं। ख्याल रखिएगा। आंटी सब खैरियत तो है, क्यों रो रही हैं आप?